जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो बस जी आज का जो व्लॉग है वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो है आपके लिए काफ़ी टिप्स भी होंगी और फ्रिज की क्लीनिंग भी होगी और काफ़ी लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि किस किस तरह से जो हम इजीली हर काम को कर सकते हैं। तो जो है व्लॉग का स्टार्ट मैं आज कर रही हूँ नाश्ते से, क्योंकि मेरे हस्बैंड पराठा खाते हैं नाश्ते में, तो रोज़ पराठा मैंने बनाना होता है और मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से जो है वो बलों वाला मैं पराठा बनाती हूँ, तो ये मैं इस तरह से जो है इसको बल दे के तो वो मैंने जो है वो बेल लिया है और उसको अब मैं बना लूँगी। तो कभी कभी जो है मेरा दिल नहीं भी करता पराठा बनाने को, लेकिन जो है वो फिर यही करती हूँ कि इसके नेमुल बदल मुझे बनाना होता है। जैसे अब ब्रेड वगैरह जो है ऑमलेट ब्रेड हो गया, चने मैं अक्सर बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में चने इजीली मिलते नहीं है। मिल तो जाते हैं, मिल तो हर चीज़ जाती है यार, लेकिन जो है वो ये होता है कि यहाँ जो है थोड़ा दूर से मिलते हैं, तो कभी कभी जब दिल करता है तो वो ले आते हैं हस्बैंड, और जब दिल नहीं होता तो नहीं लाते। अगर मेरा अक्सर दिल हो और घर में चने पड़े हों तो मैं बॉईल करके मोस्टली रखे होते हैं मैंने फ्रीज़र में, अगर पड़े हों तो मैं बना लेती हूँ। आज मेरा खास कोई दिल नहीं था, तो इसलिए जो है वो पराठा जो है वो दिल है इसलिए नहीं था कि जो है आटा नहीं गूँधा हुआ था, आटा मैंने गूँधा तो वो पराठा ऐसे ही बना। तो और साथ जो है मैंने ऑमलेट बना लिया, ऑमलेट भी टूटा फूटा बना था, लेकिन कोई बात नहीं, पेट में जाके भी टूटना ही होता है, इसलिए मैंने बना लिया था। साथ मैंने जो है आज मैंने सोचा था फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, मतलब चीज़ें रख के भी आपको पता नहीं चलता, तो जगह जो है ना वो बिल्कुल कंजस्टेड सी हो जाती है। साथ मैंने जो है मलाई मैंने फ्रीज़ की हुई थी, मलाई मैंने निकाल ली थी रात में ही, इसको मैंने फ्रीज़र से फ्रिज में जो है वो कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो खुल जाए। तो वैसे जो है मैं मक्खन के साथ निकालती हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलें आज मलाई से ही निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि काम ज़्यादा था, फ्रिज भी साफ़ करनी थी, घर की भी सफाई करनी थी। तो मैंने फिर जो है क्योंकि पहले मैं मलाई से ही निकालती थी, मलाई से डायरेक्ट देसी घी निकालती थी, बीच में मैंने आके जो है मक्खन से करना शुरू कर दिया था, मलाई से यानी मक्खन बनाती थी, उसके बाद जो है देसी घी निकालती थी। तो मक्खन से ये होता है कि ज़्यादा निकल आता है, आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चले मलाई से ही जो है वो घी निकाल लेते हैं। ये मैंने साथ मलाई डाल ली थी और इसमें मैं डालूँगी दही। दही इसलिए ऐड की जाती है, आप जब मलाई से देसी घी निकालते हैं ना तो मलाई जो है स्पेशली जो है वो नीचे लग जाती है। और दूसरी टिप ये है कि आप जो है मलाई स्पेशली जब आप मलाई से निकालें, बल्कि जब भी आप देसी घी निकालें, तो आप जो ये जो फ्राई करने वाली लोहे की कढ़ाई होती है ना, आप इसमें जो है देसी घी निकाला करें। इससे जो है जो आपकी मलाई है या मक्खन है वो नीचे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर लग भी जाए तो वो चम्मच से जो है वो उतर जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि वो दूसरी पतीलों में जो होता है ना वो लग जाता है, और फिर उसको पहले भिगो के रखो और फिर जो है उसका बनाओ। दही मैंने डाल दी थी, साथ मैंने इसको जो है वो हल्का सा पका लिया था, साथ मैंने फ्रिज पीछे से बंद कर दिया था कि जैसे ही वो जो है थोड़ा सा डिफ्रोस्ट हो जाएगा फिर मैं उसको साफ़ करना शुरू करूँगी। काम साथ साथ समेटते रहें तो काम हो जाता है, अगर ना समेटो तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि खड़े खड़े साथ साथ जो काम होता है ना आसानी से वो कर लिया जाए, क्योंकि मैंने अब जो है फ्रीज़र बंद कर दिया था। मोस्टली मैं पहले ये करती होती थी कि मैं ना फुल जो है पतीला बॉईल करके तो वो मैं फ्रीज़र में रख देती थी और फ्रीज़र बंद कर देती थी, उससे ये होता था कि जो है ना उसकी बर्फ़ जल्दी पिघल जाती थी। तो ये चीज़ें मैंने फ्रीज़र में से निकाल के रखी हैं। कि आप जिपलॉक बैग्स देख रहे हैं, मैं जो है ना अब जैसे जिपलॉक बैग में कोई चीज़ आपने फ्रीज़ की है तो मैं उसको निकाल के फेंकती नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह से धो के ना जिपलॉक बैग्स जो हैं वो वापस फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। जब यूज़ करना होता है जिपलॉक बैग एक निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। यार बहुत महंगे पड़ते हैं, तो एहसास किया करें। तो मेरा स्क्रैपर भी नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने यही किया कि लकड़ी का चम्मच जो है वो मैंने यूज़ किया है। ये भी आपके लिए एक टिप है, अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है या मेरी तरह गवाच गया है तो जो है आप इस तरह से लकड़ी का चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं जो है गर्म पतीला रखती थी और उससे जो है वो पिघल जाती थी बर्फ़, लेकिन अब जो है मैंने ये देखा कि यार उससे प्रॉब्लम हो सकती है फ्रीज़र के साथ, तो मैंने ये करना शुरू कर दिया पहले कि मैं फ्रिज जो है ना, अव्वल तो मेरी कोशिश होती थी जब मैंने फ्रीज़र साफ़ करना होता है ना, जब मौसम ज़रा अच्छा होता है तो मैं रात को फ्रीज़र बंद कर देती हूँ, सुबह में जो है ना उठते ही फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका जो है वो ये होता था कि मैं जैसे मैंने अब ये यहाँ पे साइड पे जो है अभी भी जो है देसी घी जो बन रहा है वो चूल्हे पर ही है, तो मैं साथ साथ ये काम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यही करती थी कि जब जो है ना फ्रीज़र मैंने बंद किया, कोई काम मैं कर रही हूँ तो फ्रीज़र थोड़ी देर बंद रहता था, फिर मैं जो है हेयर ड्रायर लेकर उससे जो है मैं इसको वो ड्रायर से हवा देती थी तो ये बर्फ़ निकल आती थी। लेकिन ये तरीका मुझे बहुत आसान लगा है कि आप जो है इसको डीफ्रोस्ट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ो और इसका जो है वो डोर ओपन कर दें, डोर ऊपर छोड़ दें और चीज़ें भी बेशक पड़ी रहें, चीज़ें कोई कहीं नहीं जाती, कहीं ख़राब नहीं होती, कुछ नहीं होता। और फिर आधे घंटे के बाद जो है आप जो है इस तरह से बर्फ़ आराम से निकाल लें। और बड़े आराम से बर्फ़ निकल आई थी, कोई मुझे मसला नहीं हुआ। मुझे मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने फ्रीज़र फ्रिज सब कुछ साफ़ कर लिया था। तो मैं वैसे भी गाहे बगाहे इसको करती रहती हूँ साफ़। ऑलमोस्ट ये जो है छोटी ईद के बाद मैंने साफ़ किया था और अब किया मैंने साफ़, मतलब उस दौरान मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी बर्फ़ निकालने की। फ़्रिज तो साथ 15 दिन बाद मैं इसको साफ़ कर देती हूँ सारा, मैं उसको जो है ना ऑर्गेनाइजिंग इसकी ठीक कर देती हूँ। लेकिन जो है ये जो है इसको मैंने किया ज़रा देर बाद क्योंकि बर्फ़ आराम से ही जमती है। ये देखें अब जो है घी का मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें ऊपर हल्का हल्का जो है ना घी आने लग गया। और ये मैं चम्मच चला रही हूँ, हल्का सा नीचे लगा हुआ था वो भी उखड़ आया, तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इसकी। तो आप भी लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल किया करें, ये आपके लिए जो है एक टिप है। इस तरह से जो है मैं इसको अभी भी हल्की आंच पे पड़ा रहने दूंगी और साथ जो है फ्रीज़र की मैं आपको कंडीशन दिखा देती हूँ। ये मैंने सारा अच्छी तरह साफ़ करके चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, साथ जो है नीचे फ्रिज को मैंने सारा सेट कर दिया। फ्रिज भी जो है अच्छी तरह से सारी ठीक होने वाली थी, उसको भी मैंने ठीक कर दिया। और ये फ्रंट से जो है मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ये है हायर की फ्रिज है और ये जंबो साइज़ में है। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप लेना चाहते हैं तो चीज़ें बार बार नहीं बनती। मैंने ये चीज़ सबसे बेस्ट सोच कर तो मैंने ये वाली फ्रिज चूज़ की थी। ये जंबो साइज़ में है। जंबो साइज़ मींस के जो नॉर्मल फ्रिज का साइज़ होता है ना, उससे ये बड़ा साइज़ है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो ये मेरा आप कह सकते हैं कि मीडियम साइज़ है। इससे लार्ज साइज़ जो है वो भी बहुत अच्छा साइज़ है। चीज़ें क्योंकि बार बार नहीं बनती, इसलिए आपको एक दफ़ा जो है वो चीज़ लेनी होती है। मैंने अभी ये जब रिसेंट मैं शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने ये लिया था, तो मैंने फिर जो है इसी को मैंने प्रेफर किया बजाय इसके कि मैं छोटा कोई लेती। मतलब अगर मीडियम साइज़ में नॉर्मल वाला लेती तो ये बहुत छोटा पड़ता, इसलिए मैंने जो है ये मीडियम साइज़ लिया है जंबो में। तो साथ मेरे जो है ड्रॉअर का मसला हुआ था, बहुत ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी था इसमें। तो मैंने अपनी भाभी को कहा कि आप बैठें और मुझे इसको ज़रा ना सेट कर दें। तो साथ साथ मैंने उसमें से चीज़ें भी जो मुझे चाहिए थी, जैसे कि अब ये बर्तन धोने वाला स्क्रबर है, ये मुझे नया चाहिए था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे निकाल के एक दे दें। और सारा कुछ जो है मैं उनको बताती गई, वो सेट करती गई। साथ साथ मैं अपना देसी घी को देख रही थी कि किसी तरह उसको सेट कर लूँ, क्योंकि काम आप एक दफ़ा समेट लो तो हो जाता है, नहीं तो एक को कर लो, एक को छोड़ दो तो फिर छुटा ही रहता है, वो फिर पूरा नहीं होता। ये तो आपको पता है, क्योंकि घरेलू ख़वातीन के लिए जो है ना बड़ा मसला होता है। एक दफ़ा जो काम आप बखेर लो उसको फिर आप कर लोगे तो कर लोगे, नहीं करोगे तो फिर वो पड़ा ही रहेगा। मेरे साथ तो ये होता है, आप भी मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो ये भाभी रख रही, तो मैंने कहा आप भाई जल्दी से बाहर निकाल दें। तो बस इसी तरह से जो है हर चीज़ को मैंने प्रॉपरली सेट करवा दिया था। और आपके पास हेल्पिंग हैंड हो तो बहुत अच्छा रह जाता है काम, तो अगर नहीं होता तो फिर बहुत मसला हो जाता है। लेकिन चलें, अब अकेले करना है काम तो हो ही जाता है। तो इस तरह से जो है मैंने हर चीज़ को सेट कर लिया। ये मैंने चेज़अप से लिए थे बार्स, साथ मेरे पास ये वाली भी थी विम। और साथ साथ जो है वो मैंने झाड़ू दे दिया था कि सारा मैं जो है वो समेट लूँ। वहाँ से मैंने पानी से जो है वो सारा गंद निकाल लिया था और बाकी जो है कोने से इसको निकाल लिया था। अब हो गया था जी खाने का टाइम। वहाँ से मैंने देसी घी को जो है वो निकाल लिया था। और इसके बाद जो है अब मैं उसी कढ़ाई में जो है चिकन कढ़ाई बनाऊँगी। लोहे की कढ़ाई में जो है ना खाना जो पकता है, हाय हाय हाय, उसकी तो बात ही अलग होती है ना। तो ये चीज़ें मैंने जो है आपको मैं अब दिखा रही हूँ। मैंने ले लिया था 1/2 kg चिकन, साथ मैंने लिया था नमक, सूखा धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी, ये सारे मैंने डाले हैं। और साथ 1 कटोरी जो है वो मैंने दही ले ली थी। 4 या 5 टमाटर थे, वो मैंने हाफ कट कर लिए थे। वो छोटे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये 2 साइज़ में ही क्यों काटे, मतलब हाफ कट क्यों ही किए। कढ़ाई मैंने धो के अच्छी तरह से ले ली थी। तो साथ मैंने इसमें डाला है ऑयल, और ऑयल के साथ मैंने इसमें डाला था मक्खन। मक्खन में बनाई थी कढ़ाई। तो ये आप ओवरऑल चीज़ें देख लें, सारी इंग्रेडिएंट्स पे देख लें। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए यार। एक दफ़ा ये बनाओगे तो फिर मुझे दुआएं दोगे तो ये जो है ऑयल मैंने ले लिया था, साथ मैंने इसमें जो प्याज काटा हुआ था 2 प्याज मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के, साथ मैंने इसमें डाला है मक्खन। मक्खन जो है ये देखें, ये जो झाग इसके ऊपर आ रही है ना, ये मक्खन की वजह से है। और हाय इतना कोई मज़ेदार टेस्ट बना था ना, उफ़, मैं आपको कह रही हूँ ना, आपने मुझे दुआएं देनी है, इतनी कोई मज़े की ये बनती है कड़ाही। लहसुन अदरक का पेस्ट अब मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और साथ में हरी मिर्चों के साथ इसको फ्राई करूँगी। हरी मिर्च और टमाटर का इतना कोई मज़े का टेस्ट बनता है कड़ाही में, इतना मज़े का टेस्ट बनता है कि आपकी सोच है। तो इस तरीके से आप बनाएंगी तो आप जो है ना, मतलब सबसे वाह वाह तो लाजमी करवाएंगी ना। तो इस तरह से जो है इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। तो जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, इसको मैंने दही में डाल के अच्छी तरह से जो है मैंने बीट कर लिया। बीट करने के बाद मैं जो हल्का सा जो मैंने फ्राई किया हुआ था उसी में मैं डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगी तो ये देखिएगा आप, टेस्ट इसका बहुत अच्छा बनेगा और लुक में भी बहुत अच्छी बनेगी। तो दही मैंने डाल दी थी, उसके ऊपर मैंने ये टमाटर आधे आधे करके रख दिए थे और साथ मैंने इसको दम पे रख दिया था। अब जो है मैंने टमाटर को गलाना है और गला के जो है ना, चिमटे की मदद से मैंने उसका जो है वो जो इसका ऊपर छिलका था वो मैंने आराम से उतार लेना है। ये वजह थी कि मैंने इसको 2 पीसेस में काटा था, इसको मैंने ज़्यादा नहीं काटा था। ये देखें आप, लुक कितनी ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लुक आई थी इसकी। अच्छा, आपके पास अगर नींबू हो तो आप इसमें नींबू डाल सकते हैं और नींबू मतलब काट के भी डाल सकते हैं, या आपको अगर नींबू नहीं पसंद तो आप बेशक मत डालें। मुझे नहीं पसंद, या और साथ मेरे थोड़ा सा दांत का आजकल मसला हुआ है तो मैं नींबू बिल्कुल भी नहीं ले रही, तो इसीलिए मैंने नींबू बिल्कुल नहीं डाला। अच्छा, मैं अब इसलिए आपको बता रही हूँ कि इसकी जो है ना अच्छी तरह से आपने करनी है, जब दही जो आपने डाली है उसका पानी अच्छी तरह से आपने खुश्क करना है, इतनी भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। और चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, चिकन आपका टूट जाएगा। और मैं जो है ये वाले जो है सिलिकॉन के चम्मच यूज़ करती हूँ, अगर आप लेना चाहें तो ये 150 का आराम से किसी भी डॉलर शॉप से आपको जाके मिल जाएगा। डॉलर शॉप पे वैसे तो अब महंगा हो गया होगा, मैंने 150 का लिया था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने जब इसका दही का पानी खुश्क कर लिया था तो फिर मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल के, आधा ग्लास से आप कम भी ले सकते हैं, वो डाल के तो मैंने फिर इसको हल्का सा पकाया और फिर मैंने हल्का चम्मच से इसको 2-3 दफ़ा हिलाया। मैं फिर कह रही हूँ, इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना, बहुत ज़्यादा देर नहीं हिलाना, चिकन आपका जो है वो टूट जाएगा। इसकी खूबसूरती इसी में होती है कि जो बोटियाँ और जो मतलब खुश्क बोटी है या नरम बोटी है जो भी है वो जो है ना पूरी पूरी रहे, मतलब टूटे ना। टूटेगी तो आपकी जो है ना डिश की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। ये जो है हरी मिर्चें और अदरक मैंने काटा हुआ था इसकी गार्निशिंग के लिए, तो मैं आपको इसको जो है ना ओवरऑल इसकी लुक दिखा देती हूँ डिश आउट करके। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि खाना बनाना मुश्किल नहीं है, खाने को प्रेजेंट करने की बात होती है। आप अगर कोई टेस्ट में अच्छी चीज़ नहीं भी है उसको आप प्रेजेंट अच्छे तरीके से करोगे ना तो वो लुक में बहुत प्यारी लगेगी। और मतलब अगर किसी को पसंद नहीं भी आई ना तो वो फिर भी तारीफ़ कर देगा, थोड़ा बहुत लिहाज कर जाएगा, लेकिन अगर शक्ल से ही वो अजीबोगरीब होगी ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। हरी मिर्चें और धनिया में अदरक मैंने डाल दिया। धनिया की मैं आपको बताने लगी थी कि धनिया आजकल नहीं आ रहा, मिलता नहीं है, मुश्किल से ही मिलता है और महंगा बहुत है। तो एडी कोई एमरजेंसी नहीं सी धनिया दी थी, इस वास्ते मैं धनिया नहीं पाया। इस तरह से जो है आप इसको डिश आउट कर लें, आपका दिल करे आप क्रीम भी डाल सकते हैं इसको डिश आउट करने के लिए। और आजकल जो है वो चीज़ का भी बहुत आ रहा है कि चीज़ वाली कढ़ाई भी होती है, तो हर तरह से बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें और पसंद करते रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।